Our नेक्स्ट टॉपिक इज़ networking topologies. What do डू यू मीन topologies? Topologies टपोलॉजीज़ uh, ऑब्वियस है जब हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो किसी ना किसी ले आउट में उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा मीन्स उन कंप्यूटर्स की फॉर्मेशन कैसे होगी पैटर्न क्या होगा क्या लेआउट रहेगा उन कम्प्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो उसी को हम कहते हैं नेटवर्क टपॉलॉजीज मीन्स द लेआउट पैटर्न इन विच द कम्प्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क टपोलॉजी सो अब हमारा नेटवर्क टपोलॉजी हम सेलेक्शन करने जा रहे हैं कि हमें किस तरह की टपोलॉजी सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास थ्री फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने ध्यान में रखना है फर्स्ट इज़ द कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अब हम नेटवर्किंग करने जा रहे हैं तो हमें केबल भी चाहिए मीडिया भी चाहिए डिवाइसिस भी चाहिए तो इन सब चीज़ों का कितना खर्चा पड़ेगा ये मैटर करता है कि हम किस तरह की टपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सेक्स सेकेंड इज़ फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स जिसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस कर पाएँ हमें फ़र्नीचर का अरेंजमेंट किस तरह से करना पड़ेगा बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने पड़ेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लैक्सिबिलिटी क्या ईजीली हम उस टपोलॉजी को मैंटेन uh, कर पा रहे हैं या नहीं नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी मीन्स कि जब भी फेलियर होता है वैसे तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है फेलियर के चांसेस नहीं होते बट अगर फेलियर के चांसेस हैं या कहीं फेलियर क्रिएट होता है तो क्या हम उसका फॉल्ट डिटेक्ट कर पाएंगे इजीली तो वो भी हमारा मायने रखता है हमारी सिलेक्शन के ऊपर कि हम किस तरह की टपोलॉजी सेलेक्ट कर रहे हैं मीन्स हमारा कॉस्ट क्या रहेगा फ्लैक्सिबिलिटी क्या रहेगी और रिलायबिलिटी कितनी होगी हमारे उस नेटवर्क टपोलॉजी की तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा सिलेक्शन ऑफ नेटवर्क टपोलॉजी सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टपोलॉजीज किस किस तरह से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं वो क्या क्या डिफरेंट लेआउट्स हैं तो फर्स्ट इज़ पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट मीन्स वैन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली लुक एट दिस पिक्चर दीज टू कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर किसी थर्ड पार्टी का इसमें कोई भी इंटरफरेंस नहीं है

फिर यहाँ आएगा ये भी रिजेक्ट कर देगा और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसमें एड्रेस इसी का होगा और ये उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरह से हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है ऑन बस टपोलॉजी तो ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ़ एक सिंगल बस केबल चाहिए और जितने भी कंप्यूटर्स हैं आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो बट अगर आपकी इस मेन केबल में इस मेन केबल में कोई फॉल्ट आता है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्किंग ख़त्म हो जाएगा और आप अब डाटा शेयर नहीं कर सकते नेक्स्ट आता है इसमें आपका रिंग टपोलॉजी एज द नेम सजेस्ट रिंग रिंग मीन्स इट इज़ लाइक दिस इन रिंग टपोलॉजी each computer is connected to two computers nearby computers means this node is com is connected to these two computers this node is connected to these two computers again this computer is connected to this and this so it forms a ring but the main पार्ट ऑफ दिस टपोलॉजी इज़ यू कैन सेंड डाटा ओनली आन इन वन डायरेक्शन द डाटा कैन बी सेंट इन वन डायरेक्शन सो अगर बीच में आपका एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा और आपकी नेटवर्किंग खराब हो जाएगी और आप डाटा आगे शेयर नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट इज स्टार टपोलॉजी स्टार टपोलॉजी मीन्स इट लुक्स लाइक This means there is a center computer, central computer, and all the computers are connected to this only. Means the computers are not connected to each other. There is only one central computer, and all these computers are connected to this, like this. There is a main computer, and all the computers are connected to this. These are the nodes. एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल कंप्यूटर अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है आपकी बाकी कंप्यूटर की फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी नेटवर्किंग बिल्कुल सही चलती रहेगी इस कंप्यूटर में कोई ख़राबी आती है तो आपके सारी नेटवर्किंग सही रहेगी बट द मेन पार्ट इज़ अगर आपका मेन कंप्यूटर में फॉल्ट आ जाता है तो आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा और आपका कहीं भी नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी आपके सारे कंप्यूटर्स डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट आता है आपका ट्री टपोलॉजी ट्री टपोलॉजी मीन्स इट्स लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर लाइक दिस देर इज अ मेन अगेन अ कंप्यूटर सो इसमें क्या होता है जितने भी स्टार टपॉलॉजीज होती हैं जैसे ये हो गया मीन्स दीज थ्री कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल कंप्यूटर ओके एंड दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू दिस मीन्स इट इज़ अ स्टार टपोलॉजी क्योंकि ये सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं ये कंप्यूटर्स एक सिंगल मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है सेम इज़ द केस विद दिस एंड सेम इज़ द केस विद दिस मीन्स जितने मर्जी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों जब इन स्टार के जो मेन हेड्स हैं मीन्स मेन सेंट्रल कंप्यूटर हैं जब ये एक बस पर जाके एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्री टपोलॉजी ट्री मीन्स इट इज़ द मेन रूट उसके बाद उसके फोर पार्ट्स अगेन उसके जितने भी नोड्स हैं उसके आगे आगे कनेक्ट होते जाएंगे अगर किसी भी कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आता है तो ये अलग हो जाएगा बाकियों की प्रोसेसिंग सही तरीके से चलती रहेगी इसमें भी अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसकी बाकी की फंक्शनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें हम कोई भी नया नेटवर्क ऐड कर सकते हैं विदाउट किसी को आ, परेशानी दिए या किसी की तरफ़ से कोई भी प्रॉब्लम लिए हम एक नया नेटवर्क इसमें ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ मैश टपोलॉजी मैश मीन्स बिल्कुल हर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दीजिए आपस में कैसे सपोज़ हमारे पास फाइव और सिक्स कंप्यूटर्स हैं तो हम क्या करेंगे हर कंप्यूटर को बाकी के हर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे जैसे ये है इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर दिया इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी अब ये आपस में कनेक्ट हो गए इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया देखिए सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं तो इट इज़ कॉल्ड मैश टपोलॉजी मैश मीन्स और ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होती है क्योंकि देखिए इनमें क्या था हमारी बस में या हमने जो रिंग टोपोलॉजी की थी तो इसमें सिर्फ टू कंप्यूटर से कनेक्टेड है मीन सिर्फ इतनी ही कॉस्ट आएगी कि इसको सिर्फ दो के साथ कनेक्ट करना है या यहाँ पर क्या कॉस्ट थी कि इसको सिर्फ एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है बट इन मैस्ट टोपोलॉजी हर कंप्यूटर को बाकी के सब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ऑब्वियस है केबल देखिए ये केबल ज़्यादा लगेगी डिवाइसेस का खर्चा ज़्यादा होगा कॉस्टली पड़ती है तो ये यूज़फुल कब है जब आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इसमें हम किसी भी नए कंप्यूटर को इजीली ऐड कर सकते हैं तो अगर किसी भी कंप्यूटर की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है ख़राब हो जाता है तो बाकी की फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर इंडिपेंडेंटली ओके सो दीज आर द डिफरेंट टलॉजीज़ नाउ कम्स नेटवर्क सिक्योरिटी अब हमारा सारा डाटा शेयर हो रहा है नेटवर्क पे, कोई भी उसको देख सकता है यूज़ कर सकता है तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ऑथोराइजेशन की पासवर्ड की सिक्योरिटी की कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा है हमारा तो उसको कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको यूज़ ना कर सके उसमें कोई वायरस ना आ जाए उसके लिए हमको नेटवर्क सिक्योरिटी करनी पड़ती है तो उसमें मेन चीज़ें क्या आती हैं आपकी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगाने होते हैं पासवर्ड लगाने होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर उसमें ऐसे इंस्टॉल करने होते हैं ताकि आपके डाटा को कोई नुकसान ना पहुंचाए कोई उसमें वायरस ना डाल दे कोई थेफ्ट ना हो जाए थेफ्ट मींस आपकी इन्फॉर्मेशन कोई हैक करके चुरा के ना ले जाए तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें नेटवर्किंग पे रखना पड़ता है सो so, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हम रेफर करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में सी आई ए सी मीन्स कॉन्फिडेंशलिटी कॉन्फिडेंशलिटी मीन्स अनऑथोराइज एक्सेस से अपने कंप्यूटर को बचाना मीन्स जिन लोगों को एक्सेस अथॉरिटी नहीं है हमारा कंप्यूटर यूज़ करने की मीन्स जिनके पास पासवर्ड है सिर्फ वही उस कंप्यूटर को डाटा को यूज़ कर पाएँ तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके डाटा में चेंजेस ना कर पाए मॉडिफिकेशंस ना कर पाए सो दैट इज़ इंटीग्रिटी एंड थर्ड इज़ ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मींस जो भी ऑथराइज पर्सन है उसकी पूरी तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना उसका पासवर्ड चेक करना थंब प्रिंट चेक करना या आई लेंसेज का चेक करना बहुत सारे इस तरह से हम सिक्योरिटी मेजर्स आपने देखा भी होगा सुना भी होगा जो लगा सकते हैं हम तो उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना कि वेदर दे आर ऑथराइज टू यूज़ आर कंप्यूटर और नॉट तो इन तीन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है नेटवर्क सिक्योरिटी पे सो दिस वॉज आर चैप्टर नेटवर्किंग कंसेप्ट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू